धान मंडी विस्तारीकरण योजना के तहत 9 बीघा भूमि में लाखों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य में ठेकेदार ने जमकर धांधलेबाजी करते हुए पीड़ित निर्माण में बेहद घटिया स्तर की बिगी हुई व 2 नंबर की ईंटों के साथ साथ टूटी हुई ईंटें यानी खोरों का भरपूर प्रयोग किया है। स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के आधार पर जब आज मौके पर पहुंचकर देखा तो ठेकेदार और जयन दोनों ही मौके से नदार थे और मजदूर ईंटें जोड़ने में लगे हुए थे। जिस तरह से कचरे का इस्तेमाल यहाँ पर निर्माण कार्य में किया जा रहा है उससे सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक अनाज से भरे होने पर तो क्या खाली होने पर भी पीड़ वजन सहन नहीं कर सकेगा। चल रहे कार्यों की देखरेख जिन अधिकारियों के जिम्मे है उनकी नाक तले चल रहा या घटिया कार्य उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें रावतसर धान मंडी में 9 बीघा भूमि पर जो है पीड़ निर्माण का कार्य चल रहा है। विस्तारीकरण योजना के तहत यह कार्य मंजूर हुआ है। लाखों रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन फिलहाल यहाँ पर ठेकेदार द्वारा बड़े स्तर पर घोटाला यहाँ पर किया जाना सामने आ रहा है। ठेकेदार द्वारा बेहद घटिया स्तर की ईंटों को जोड़कर इस पीड़ का निर्माण करने की महज एक खानापूर्ति कही जा सकती है जो की जा रही है। इस तरह का घटिया निर्माण आखिर कितने दिनों तक टिक पाएगा और क्या किसानों को इस पीड़ निर्माण का कोई लाभ भी मिल पाएगा, क्या व्यापारियों को कोई लाभ मिल पाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार द्वारा पीड़ निर्माण में जो है बेहद घटिया स्तर की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वजन ही शायद सहन कर पाएगी। यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है कि जिस जेएन की ड्यूटी लगी हुई है जो इसकी क्वालिटी को तय करता है, जो इसकी क्वालिटी की देखभाल करता है कि सही तरीके से ठेकेदार के द्वारा लगवाई जा रही है या नहीं लगवाई जा रही है, आखिर उसने यहाँ पर क्या देखा। तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है और जिस तरह का घटिया निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है तो ऐसे में सवाल मंडी प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहा था, उसने क्यों नहीं इस पर नज़र डाली। वहीं सबसे बड़ा सवाल उस अधिकारी से, उस जयन से है जिसकी देखरेख की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, तो उसने आखिर किस तरह की देखरेख की, किस तरह का सुपरविजन उसका यहाँ पर रहा जब उसके रहते हुए यहाँ पर इस तरह की घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर घटिया ईंटों से जो है निर्माण किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस अधिकारी की संलिप्तता से भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। मजदूरों द्वारा लगातार उन्हीं घटिया ईंटों के सारे जो है निर्माण कार्य जारी था।